वीडियो होने वाला है ऑफिस लैपटॉप बैक के ऊपर। मैंने रिसेंटली एक बैग परचेज किया है, सबसे पहले दिखा देता हूँ ये। सो हियर इज माई सर्च फॉर अ बेस्ट ऑफिस लैपटॉप बैग। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, और खरीदना था 3 से 4 हज़ार के बीच में अच्छा वाला बैग, देखते हैं। सो फर्स्ट स्टॉप इज लाइफस्टाइल। ऐसे कोई अच्छे ब्रांड में चाहिए था कुछ, ये बैग्स भी आप ले सकते हैं। तो कितने का है? 3100 का है ये। इसका मटेरियल कौन सा है? ये पॉलिस्टर। ये बैग भी एक ऑप्शन है 8900। इतना क्या खास 1000, ये भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन 9000 का सेम। तो हम आ गए हैं सैमसंगाइट। इतना सारा ऑप्शन है, कुछ ऐसा मुझको एक्चुअली लेना है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द प्राइस। ये अपना 12000 के रेंज में जाएगा, ये 11000 के। तो मैं तो सैमसंगाइट के एक्सक्लूसिव शोरूम में आया था, जहाँ पे लेटेस्ट ऑफर्स नहीं रहते हैं, तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ का रेंज 11000 प्लस से चालू हो रहा था, तो मेरा तो नहीं है भाई बजट। सो अभी चलते हैं डेलसी पेरिस में, देखते हैं यहाँ का कलेक्शन। ये 15000 का है डेलसी का। कौन सा मटेरियल है ये? लेदर है, सिंगल पॉकेट है। डबल पॉकेट में कितना खर्चा पड़ता है? डबल में वो सेम आर्टिकल मिल जाएगा। अच्छा, मेरा वाला जो बैग है 5500 में मिल जाएगा, ये सिंगल पॉकेट वाला। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे इस वक्त? ये 12500। कितने इंच का लैपटॉप बैठता है? 15.6। मैं अभी आया हूँ वीआईपी के शॉप में, यहाँ कार्लटन इनका भी ब्रांड है। और आप लोग का वीआईपी का ऐसा कोई बैग है? कौन सी साइज में? अच्छा, ये वाला कॉलम किस लिए देते हैं पीछे बैग में? बैक साइड जो देते हैं मैगजीन, न्यूज़पेपर, एक्सरसाइज, कुछ भी आप रख सकते हैं। हम टॉमी हिल्फिगर, क्या बोलते हैं? टॉमी हिल्फिगर। ये आपको लेदर विद कैमरा, आर्टिफिशियल लेदर। ये लुक इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा फॉर्मल लुक में बात करते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये यूरोपियन लाइन सीरीज है, नायलॉन फैब्रिक के साथ लॉन्च हुआ है, विद लेदर सीरीज है। ओके, साइड लेदर स्ट्रैप दिया हुआ है, यहाँ पे लेदर एडेड किया गया। अच्छा, एक ही पॉकेट रहेगा आगे, सिंगल फ्रंट पॉकेट है। देन ये फ्रंट पॉकेट किस लिए दिया हुआ है? नॉर्मल एक्सेसरीज वगैरह, चार्जर वगैरह इजीली कैरी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये कितने का मिलेगा मुझको? 12999। माय गॉड। और ये वाला? बाकी तो इसके अबाव ही है, 13999। ये वाला है लेदर सीरीज है, पूरा जेन्युइन लेदर है ये, 17999 है। महंगा है मतलब रे। तो हम आ गए हैं शॉपर स्टॉप, यहाँ की वैरायटी एक बार देखते हैं क्या है। 11300। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है? आपके पास HDFC कार्ड है? हाँ है ना। हाँ, तो आपको इंस्टेंट 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और मतलब रेंज कितने से चालू होगा ऐसे बैग्स का? ये आपको मिनिमम स्टार्टिंग 6700। ये कौन सा मटेरियल है? नायलॉन फैब्रिक है। ये भी अच्छा चलेगा? हाँ, चलता है, इसके लिए ठीक है। और कौन सा लेना है मेरे को? एक्चुअली ये पसंद आ रहा है। ये कितने का है? 8300। वीडियो होने वाला है ऑफिस लैपटॉप बैग के ऊपर। मैंने रिसेंटली एक बैग परचेज किया है, सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये वो बैग है हेमंत फ्लैग कैचर का, लैपटॉप बैग है। एक्चुअली आज रिलैक्स था, आराम से बैठ के मैं ये वीडियो ही बना डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिस के लिए कौन से टाइप का बैग सुटेबल है? एक्चुअली दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस, और आपका यूज़ क्या है बैग का एक्चुअली। तो मेरा जो ऑफिस का यूजेज है उसके हिसाब से मैंने अपना बैग लिया, दिखाता हूँ क्या क्या लिया है। 100% जेन्युइन लेदर के बैग्स मैंने जब मॉल में जाके देखे तो करीबन 8 से 10 हज़ार के रेंज से चालू हो रहा था, जबकि मेरा बजट 4 से 5 हज़ार का ही था। तो मैंने फिर हेमंत फ्लाईकैचर या वाइल्ड हॉर्न करके एक ब्रांड है, उसका भी देखा था ऑनलाइन अमेजोन में या फ्लिपकार्ट पे, तो उसी में से एक चूज़ किया मैंने। लिखते हैं वो भी 100% जेन्युइन लेदर। अब वो जेन्युइन लेदर रहता है कि नहीं वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। मेरा जो पिछला बैग मैं यूज़ कर रहा था, थैंक्स टू रचना जी, जिन्होंने दुबई से मुझे लास्ट टाइम वो बैग भेजा था, बहुत अच्छा चला था। लेकिन मुझे इस बार कुछ थोड़ा डिफरेंट लुक चाहिए था, जो कि हेमंत फ्लाईकैचर में मुझे सेटिस्फाई किया है। ठीक है, ये डिटेल रिव्यू देता हूँ ये बैग का। पहला पॉइंट, कैसा बैग लें, मतलब कि ब्रीफकेस टाइप ऐसा या बैकपैक जो हम पीछे टांगते हैं वैसा। इसका सिंपल जवाब ये है कि अगर आपको ऑफिशियल लुक चाहिए और थोड़ा प्रोफेशनल लुक चाहिए तो उसमें बैग ऐसा ब्रीफकेस टाइप बैग काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल लुक आता है। और थोड़ा सा कैजुअल भी चलता है अगर, तो बैकपैक इज़ मच बेटर। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एक्चुअली दिल से बैकपैक ही है, कम्फर्ट रहता है। लेकिन जस्ट वो लुक के लिए मैं इसके साथ जाता हूँ, ताकि ऑफिशियल थोड़ा लगे मतलब। तो सेकेंड पॉइंट कि लैपटॉप बैग का मटेरियल क्या रहना चाहिए। नो डाउट लेदर वाला बैग हमेशा से
काफ़ी अच्छा एलिगेंट लुक देता है। हालांकि जिसका रफ एंड टफ यूज़ है, जिसको मतलब नहीं क्या धोने में आसानी चाहिए, वैसा नायलॉन ये सब में जा सकता है। एक्चुअली मुझको भी कुछ उसी में जाना था ताकि आराम से वो धो सकें, साफ कर सकें, लेकिन इस बार मैंने ये ट्राई करके देख रहा हूँ लेदर बैग कैसा निकलता है, बताऊँगा। उम्मीद है मेरे 2 साल तो चलाना है कम से कम, देखते हैं आगे चलता है कि नहीं। सो थर्ड पॉइंट है कि आपका कंपार्टमेंट कितना होना चाहिए। तो मेरा प्रेफरेंस था 2 कंपार्टमेंट वाला लैपटॉप बैग, जिसमें एक में लैपटॉप रहे और एक में टिफ़िन या जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, अम्ब्रेला ये सब रहे। उतना मुझे चाहिए रहता है जगह, क्योंकि एक पैक एक चेन वाला मुझे नहीं जमता है, उसी में सब लैपटॉप भी, उसी में खाना भी। मतलब खाने पीने के शौकीन तो है ही है। अभी कल ही मैं एक शूटिंग किया था अपना डोंबिवली में अप्पम का, वीडियो नहीं देखा तो लिंक में डाल देता हूँ। तो जब मैं पैक करा के लेके आ रहा था सांभर, तो बैग में सांभर गिर गया यार, नए बैग की फजी है। तो प्राइस रेंज एक्चुअली आप ब्रांडेड लेदर बैग में जाएंगे अगर ऐसे कुछ में, तो मैंने तो जो चेक किया अलग अलग अच्छी कंपनी सैमसंगाइट या जो भी अच्छी कंपनी है उसका कार्लटन का, तो 8,000 के ऊपर का ही मुझे रेंज मिनिमम दिखा। मतलब 12,000-13,000 जैसा मुझे चाहिए था उस रेंज का था। नो डाउट वो अच्छी क्वालिटी रहेगी, लेकिन अगर आप उस रेंज में देख रहे हैं तो वो बेटर है। मेरा रेंज में करीबन 4,000-5,000 तक देख रहा था, 5,500-5,000 के मैक्सिमम। तो उस रेंज में भी मुझे मॉल में कहीं दिखाई नहीं दिया, सिर्फ कुछ ही ब्रांड जैसे कि HF हैमंड फ्लाई कैचर और वाइल्ड हॉर्न मेरे को ऑनलाइन पसंद आया था, तो उसी में से मैंने सिलेक्ट किया। टाइम है एक्चुअल में अपना बैग दिखाने का। कुछ इस तरह से है ये बैग। ये वाला कंपार्टमेंट मैंने अभी तक देखा ही नहीं था, लेकिन एक जनरल दिखा देता हूँ आपको। अनपैकिंग मेरी वाइफ ने कर ली थी, कुछ ऐसा दिया हुआ है पेन होल्डर और कार्ड होल्डर के लिए, तो ये अभी हम कर लेते हैं बंद। फिर अभी आते हैं मेन लैपटॉप के कॉलम में। यहाँ पे लैपटॉप अच्छे से आप रख सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी बुक्स डायरी ये सब भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और कॉलम है जिसमें आप टिफ़िन अम्ब्रेला ये सब रख सकते हैं, और यहाँ पे एक चेन भी दी गई है। मतलब कि ये वाले कॉलम में एक चेन है, और बाहर यहाँ पे पेन होल्डर है। और इसको अगर रिवर्स करता हूँ तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चेन दी है। ये मेरे लिए सबसे यूज़फुल है, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी सामान रखूँगा अपना रेगुलर जो भी यूज़ होता है। इसका हैंडल और वजन करीबन 2 किलो है ये वाले मॉडल का, काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट है। मुझे ऑफिस से नया लैपटॉप भी कॉम्पैक्ट वाला मिला है, तो वजन ज़्यादा नहीं है ओवरऑल। इसका जो चेन है, ये चेन की क्वालिटी, जो क्या बोलते हैं यार इसको, जो भी है अभी चेन और ये सब बहुत अच्छा है इसका। आई एम लविंग इट एक्चुअली। और हालांकि पहले दिन ही ऑनलाइन मैंने मंगाया था हैमंड फ्लैग एच के वेबसाइट से जाके, ये 4,200 में पड़ा था मुझे। अगले दिन ही अमेजोन के सेल में ये 3,900 में मिल रहा था, तो आप ज़रूर बेस्ट डिस्काउंट के लिए चेक करें। अब मुझे एक्चुअली ये कलर अच्छा तो लगता है, लेकिन मैंने कोई दूसरा कलर सोच के मंगाया था, ये कलर मिल गया मुझको। थोड़ा लाइट शेड में लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हैंडल है जो, उसका मुझे बताना है कि पहले दिन ही जब मैं ऑफिस जा रहा था तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये थोड़ा कलर छूटा हुआ लग रहा है। तो मेरे मन में डाउट आया कि थोड़े दिन बाद पूरा ही ये बैग ना हो जाए। मैं अपनी वाइफ और डैड से पूछा तो उनको तो बैग बहुत पसंद आया था, तो उनका देखते हुए मैंने रख ही लिया, ये बैग रिटर्न नहीं किया, नहीं तो मैं सोच रहा था रिटर्न कर दूं। तो ये कैसा लगा बैग आपको ज़रूर बताना। को अगर गिफ्ट देना है किसी भी जेंट्स को, अगर कोई भी अगर सोच रहा है कि किसी को गिफ्ट करना है और उसका बजट थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब 2,500 मिनिमम अगर वो खर्च कर सकता है, तो उसको ये हैमंड फ्लैग एचर का लैपटॉप बैग ज़रूर दीजिएगा। उसमें सिंगल चेन वाला आपको 2,500 में मिल जाता है। इट लुक्स वेरी एलिगेंट, मतलब खुश हो जाएगा सामने वाला। हाँ मुझे याद करना। फिर कहाँ पे आ गया? मॉल आ गए हैं। तो आपको जाना है मॉल?